अस्सलाम वालेकुम तिले बरकातु। कैसे डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ सेकंड ईयर सिविक्स का मतलब इसमें शहरियत का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो जो है पूरा देखिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बता दूँ कि क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 इस तरह जो है वो शार्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप लोगों ने इसी तरह जो है इनको तैयार करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से, और कुछ सवाल जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर नंबर 1 से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सवाल जो है, सर सैयद की दो तसनीफ के नाम लिखे हैं, मुसलवी कब और कहाँ कायम हुई। सर सैयद अहमद खान के दो साथियों के नाम लिखे हैं, 1935 के एक्ट के तहत बनने वाले दो सूबों के नाम लिखे हैं। तो इनको जो है आप लोग सवालों को देख लें, बजाय इसके कि मैं एक एक सवाल पढ़ने बैठूँ और वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाए। तो आप इन सवालों को जो है वो खुद देख लीजिएगा वीडियो रोक कर, तो अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से जो है वो पूछे जाएंगे, तो इसलिए जो है बहुत बहुत अच्छी तरह जो है इनको आप लोगों ने तैयार करना है। बाकी चैनल को जो है वो लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो नोटिफिकेशन सूरत में शेयर होती रहे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो रह दहंतगान के लिए शरायत बयान करें सोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो शार्ट क्वेश्चन का पार्ट है, 12 में से 8 दोनों में करने होते हैं, क्वेश्चन 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 में से 8 शार्ट क्वेश्चन। तो जो ये अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह जो है वो देख लें, फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जो है वो मूव करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का पूरा पेपर जो है यहीं से हल हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज भी किया हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से आते हैं और कुछ चैप्टर नंबर 3 से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के आते हैं, चैप्टर नंबर 3 के आते हैं, बाकी चैप्टर 4, 5, 6 से मिलाकर ये क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिर्फ इस पार्ट में आखिरी 3 से 4 चैप्टर जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 जो है शार्ट क्वेश्चन का, उसमें आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट क्वेश्चन का जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह करना है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बाकी 4 चैप्टर जो हैं चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये अच्छी तरह जो है करने हैं। तो इस तरह जो है आपका पूरा पेपर जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आप 2 चैप्टर भी करें, पहले 2 चैप्टर, तो आपके शार्ट क्वेश्चन के 2 पूरे पार्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं, और बाकी चैप्टर जो हैं 4 चैप्टर उनकी सिर्फ आप एक्सरसाइज कर लें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो शार्ट क्वेश्चन का 3रा पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह जो है आप लोगों ने इसको जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको गेस्ट पसंद आया होगा, तो चैनल को इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो पेपर्स रह गए हैं उनका जो है गेस्ट पेपर इस तरह आप लोगों के साथ शेयर करूं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।